बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज़ अवर फर्स्ट लेक्चर एंड एज आई इंट्रोड्यूस्ड यू अबाउट दिस कोर्स, दैट इन दिस कोर्स यू विल स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी ऑफ सीएनएस ड्रग्स। ये मेरे पास कैटजंग है, मैंने यहाँ कैटजंग ओपन की हुई है और यहाँ मैंने जो पिन कोड भी ओपन की हुई है तुम लोगों के लिए। ये दोनों बुक्स तुम लोग अच्छे से फैमिलियर हो और बहुत इजी हैं और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अच्छी बुक्स हैं। तो ये आप लोग देखिए, मेरे पास जो एडिशन है सेक्शन 5 है, इसमें ड्रग्स दैट एक्ट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके, इंट्रोडक्शन टू द फार्माकोलॉजी ऑफ सीएनएस ड्रग्स, चैप्टर 21 है। हो सकता है तुम लोगों के एडिशन में आगे पीछे हो, चेक कर लो। एनीवे हम बात कर रहे हैं उन ड्रग्स की जो सीएनएस पर इफेक्ट कर रही हैं, ओके। तुम लोग पिछले ईयर में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को पढ़ चुके हो और रिकॉल करो उसको थोड़ा सा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हवाले से हमने ये डिस्कस किया था कि बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिक टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है और ये पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। लेट्स हैव अ रिव्यू। आप रिव्यू करें ज़रा नर्वस सिस्टम को कि नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या है। नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डाला भी है और स्लाइड्स में तुम लोग देख सकते हो और तुम लोगों को अच्छे से ये याद भी होना चाहिए। इसमें बेसिकली हम लोगों ने लास्ट टाइम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ा था, जिसमें हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को पढ़ा था। इस सेमेस्टर के अंदर बेसिकली हम फोकस करेंगे उन ड्रग्स पे जो के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करेंगी, सीएनएस ड्रग्स के ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। तो इसमें खास बात क्या है इन ड्रग्स के हवाले से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करने जा रही हैं, उनके हवाले से क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, आइए पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो ड्रग्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती हैं, डेफिनेटली उनके लिए यहाँ पर ज़्यादा चैलेंज है। वाई? क्योंकि अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कंपेयर करूँ, जो कि तुम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है अपने लास्ट ईयर में, वहाँ पर रिकॉल करो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपके पास यूजुअली एक एक साइनैप्स बन रहा होता था और वहाँ पर दो मेन न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो काम कर रहे हैं। कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर्स? यस, एक एसिटाइल कोलीन और एक नॉरएपिनेफ्रिन। बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके सर्किट्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। एक बात ये है कि सीएनएस इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन एएनएस। इसके सर्किट्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, सर्किट्स की तादाद भी ज़्यादा है, क्वांटिटी भी ज़्यादा है, और इसके अलावा यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के मुकाबले में ज़्यादा हैं। वहाँ पर तुम लोगों ने देखा था स्टूडेंट्स के दो न्यूरोट्रांसमीटर्स मेनली इन्वॉल्व हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स दो से कहीं ज़्यादा हैं। इट हैज़ बीन प्रपोज्ड कि शायद 50 के करीब हैं, 10 से ज़्यादा हैं और 50 के करीब हैं जो सीएनएस के अंदर इन्वॉल्व हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो यहाँ पर काम कर रहे हैं ना। और ख़ास बात यह है न्यूरोट्रांसमीटर के हवाले से यहाँ पर कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स यूजुअली इनहिबिटरी नहीं थे, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सीएनएस की अगर तुम लोग बात करो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं, खास तौर पर गाबा। इसके अलावा ग्लाइसिन भी है, लेकिन मोस्टली वो होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड में। हमारे ब्रेन में मोस्टली गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। और इनहिबिटरी यहाँ क्यों है? क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कंटिन्यूसली सीएनएस में मॉड्यूलेशन करते रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, सीएनएस और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। और इसके अलावा ये वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो सीएनएस के बारे में तुम लोगों को पता होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रग्स डेट आर एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सो ये मेरे पास कैटजंग है, ये देखो।
और ये है साइट्स ऑफ ड्रग एक्शन। ये वाला टॉपिक आप इसमें देख सकते हो, फिगर यहाँ बहुत अच्छी मेंशन है। फिगर है ये 21-4, ये देखो 21-4 साइट ऑफ ड्रग एक्शंस। ये रिकॉल करो, ये आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। व्हाट इज दिस? ये एक न्यूरॉन है, दिस वन इज न्यूरॉन। और ये इन्होंने स्कीमेटिक ड्राइंग की है डिफरेंट स्टेप्स की जहाँ पर ड्रग्स एक्ट कर सकती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अगर आप इसको रिकॉल कर पाएँ तो ये वही है जो आप लोगों ने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा है। व्हाट इज दिस? दिस वन इज अ न्यूरॉन और आप देखें कि इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। ये नंबर वन क्या है? नंबर वन में बेसिकली एंट्री होती है डिफरेंट कंपोनेंट्स की न्यूरॉन के अंदर। रिमेंबर हमने डिस्कस किया कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं बेसिकली उनका क्या क्राइटेरिया है, दे मस्ट बी सिंथेसाइज्ड विद इन द न्यूरॉन, दे मस्ट बी स्टोर्ड विद इन द न्यूरॉन। तो आप अगर एसिटाइल कोलिन को याद करो तो उसमें एसीटेट और कोलिन एंटर होता था न्यूरॉन के अंदर और फिर उनका रिएक्शन होकर एसिटाइल कोलिन बनता था। सिमिलरली नॉरएपिनेफ्रीन भी टायरोसिन से बनता था। तो ये नंबर वन, ये न्यूरॉन में एंट्री होती है डिफरेंट कंपोनेंट्स की और वो न्यूरॉन के अंदर ही इनसाइड द न्यूरॉन वो सिंथेसाइज हो रहे हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर, आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ये सिंथेसाइज हुए यहाँ पर। उसके बाद ये यहीं पर वेसिकल्स में स्टोर हो जाते हैं, रिमेंबर। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका? मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट स्टेज क्या है? बेसिकली मेटाबॉलिज्म की। यहीं पर न्यूरोट्रांसमीटर मेटाबोलाइज भी हो सकता है और यही न्यूरोट्रांसमीटर आप ये देखें यहाँ रिलीज हो सकता है। नंबर फाइव पे देखें, डेफिनेटली ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज ए साइनेप्स। साइनेप्स वो स्पेस है जो बिटवीन न्यूरॉन और इफेक्टर ऑर्गन्स के दरमियान होती है या बिटवीन टू न्यूरॉन्स होती है। ये रिलीज हुए और रिलीज के बाद मैंने आपको बताया था कि जब न्यूरोट्रांसमीटर जितना यूज़ होना है वो यूज़ हो जाएगा, रिमेनिंग उसका रीअपटेक हो जाएगा। यहाँ से आपका न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक होगा बैक इनटू द न्यूरॉन, वापस न्यूरॉन के अंदर। न्यूरोट्रांसमीटर कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो साइनेप्स के ऊपर, अगर उसका रोल नहीं है, उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है, तो वो वहाँ पर पड़ा रहे। नो, ठीक है, नेवर इट इज इट हैपन। बल्कि क्या होगा? दैट विल बी अगेन एंटर्ड बैक इनटू द न्यूरॉन, विच इज नोन एज रीअपटेक फिनोमेना। और समटाइम क्या होता है कि यहीं पर एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन भी हो जाती है, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रीन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम से डिग्रेड हो जाता था। और ये अपने यहाँ रिसेप्टर्स मौजूद हैं, मोस्टली आयनिक रिसेप्टर होते हैं, इनके साथ ये बाइंड करते हैं, आयनिक कंडक्टेंस होंगी और ये अपना इफेक्ट देंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो मैं तुम लोगों से बात कर रही हूँ, साइट्स ऑफ ड्रग एक्शन। वो ड्रग्स जो CNS के ऊपर इफेक्ट करेंगी वो डेफिनेटली इन्हीं स्टेप्स में से किसी भी स्टेप पर एक्ट कर रही होती हैं, इस न्यूरो ट्रांसमिशन के फेजेस को ब्लॉक कर रही होती हैं। या तो वो रीअपटेक को ब्लॉक कर रही होंगी या हो सकता है वो सिंथेसाइज ना होने दें न्यूरो ट्रांसमीटर को, ओके, या उसकी रिलीज ही को ब्लॉक कर दें, या यहाँ रिसेप्टर के साथ उसकी बाइंडिंग ही ना हो, आयनिक कंडक्टेंस ही ना हो, रिस्पॉन्स ही ना हो। तो न्यूरो ट्रांसमिशन की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये न्यूरो ट्रांसमिशन की डिफरेंट स्टेजेस हैं। और जितनी भी आपकी ड्रग्स जो कि CNS पे काम करने जा रही हैं, उनकी साइट्स ऑफ एक्शन यही सारे न्यूरोट्रांसमिशन के फेजेस हैं, ओके? ये वही चीज एक्सप्लेन की है। ये देखो, नंबर वन, एक्शन पोटेंशियल इन प्री साइनेप्टिक फाइबर, जब होगा तो वो एंटर हो जाएगा, यहाँ एक्शन पोटेंशियल आएगा, फिर सिंथेसिस, फिर स्टोरेज, फिर मेटाबॉलिज्म, देन रिलीज, रीअपटेक, डिग्रेडेशन, रिसेप्टर फॉर अ ट्रांसमिटर एंड रिसेप्टर इंड्यूस्ड इंक्रीज और डिक्रीज इन आयनिक कंडक्टेंस। ऑल दीज आर द साइट्स ऑफ ड्रग एक्शन। ये बहुत अच्छी फिगर है जिसको यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, कैटजंग में मेंशन है, इसीलिए मैंने यहाँ से इसमें एक्सप्लेन किया है। अब अगर ये आपको याद रहेगा तो यू पीपल विल नेवर फॉरगेट कि CNS की ड्रग्स कहाँ कहाँ टारगेट कर सकती हैं। तो आपको ये हमेशा बच्चों याद रखना होगा कि न्यूरोट्रांसमिशन की क्या स्टेजेस हैं।
जितने अच्छे से तुम लोगों को ये स्टेजेस ये स्टेप्स याद रहेंगे उतना अच्छा तुम सीएनएस फार्माकोलॉजी को पढ़ सकोगे। ओके वेल नाउ दिस इज लिपिन कोर्स। मैंने दोनों बुक्स खोली भी ना बताया तुम लोगों को। ये इसमें आपका चैप्टर नंबर 8 है ड्रग्स फॉर न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज जहाँ से आपका सीएनएस की ड्रग्स से स्टार्ट हो रही है। ठीक ये वाली फिगर इसमें बहुत अच्छी एक्सप्लेन की हुई है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने अभी ये डिस्कस किया ये देखो कि साइट ऑफ ड्रग एक्शन क्या है क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं सीएनएस की ड्रग्स उसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी न्यूरो ट्रांसमिशन और ड्रग की साइट्स ऑफ एक्शन आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद एक और ख़ास बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि आपके सीएनएस में जो साइनेप्टिक पोटेंशियल्स हैं जो साइनैप्स यहाँ पर जेनरेट हो रहे होते हैं वो दो तरह के हैं। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अगर तुम लोग रिकॉल करो तो वहाँ पर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ दो न्यूरोट्रांसमीटर्स के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है ना एसिटाइलकोलीन और नॉरएपिनेफ्रिन। यहाँ देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर जो मैंने तुम लोगों से डिस्कस भी किए हैं अपनी वीडियो में। यहाँ पर देखो कि आप इसका मतलब ये हुआ एक ऑब्वियस सी बात है कि आपके सीएनएस के जो पाथवेज हैं वो दो तरह के होंगे। कौन कौन से? या तो एक्साइटेटरी पाथवे होगा और या फिर इनहिबिटरी पाथवेज होंगे। एक्साइटेटरी पाथवेज वो होंगे जो आपके नर्वस सिस्टम को एक्साइट करेंगे एक्शन पोटेंशियल को एक्साइट करेंगे और डेफिनेटली इनहिबिटरी वो होंगे जो कि एक्शन पोटेंशियल को ब्लॉक करेंगे। अब ये देखो यहाँ पर ये फिगर है जिसमें इन्होंने बताया बाइंडिंग ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलीन की एग्जांपल दी है। ठीक है लुक ये देखो ये एसिटाइलकोलीन के रिसेप्टर्स हैं। कौन से होते हैं? निकोटिनिक होते हैं। याद करो ये एम्प्टी रिसेप्टर्स हैं इस वक्त। ये देखो ये रिसेप्टर एम्प्टी है। रिसेप्टर जब एम्प्टी है तो इनएक्टिव है और इसके साथ जो कपल्ड चैनल्स होती हैं हमेशा इसमें सोडियम आयन चैनल्स होती हैं वो क्लोज्ड हैं इस वक्त। ठीक है रिसेप्टर्स आर एम्प्टी नो एगोनिस्ट। जैसे ही यहाँ एगोनिस्ट आएगा जो इस वक्त यहाँ पर एसिटाइलकोलीन है कोई और भी हो सकता है रिसेप्टर बाइंडिंग ऑफ और क्योंकि एसिटाइलकोलीन एक्साइटेटरी नेचर है जब एसिटाइलकोलीन ये देखो यहाँ रिसेप्टर एम्प्टी थे अब यहाँ एसिटाइलकोलीन आकर बाइंड कर लिया। जैसे ही इसने बाइंड किया इमीडिएटली सोडियम आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगी और जब सोडियम आयन चैनल्स ओपन होंगी तो क्या होगा? सोडियम का इनफ्लक्स होगा। सोडियम इज मूविंग इनसाइड द सेल। ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है एसिटाइलकोलीन बाइंड हुआ एगोनिस्ट बाइंड हुआ क्योंकि एक्साइटेटरी है इसके साथ कपल्ड थी सोडियम आयन चैनल्स। ये चैनल्स जो यहाँ क्लोज थी देखो ये ओपन हो गई और जब भी चैनल्स ओपन होती हैं तो वही पर्टिकुलर आयन उसमें से मूव करता है यानी यहाँ पर क्या चीज़ मूव करेगी? सोडियम मूव करेगा। अब यू पीपल नो वेरी वेल कि सेल मेम्ब्रेन पर इनसाइड नेगेटिवली चार्ज्ड होती है वो और जब भी पॉजिटिव आयन अंदर आना शुरू होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर नेगेटिविटी थी अब पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिविटी नलीफाई हो रही है यानी आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज होने जा रही है। ठीक है वही बात ये इन्होंने लिखी देखो एंट्री ऑफ सोडियम आयन डीपोलराइज द सेल एंड और मैंने तुम लोगों को बताया था याद करो वेन एवर बल्कि हमेशा इसको फीड कर लो अपने माइंड के अंदर वेन एवर देयर इज डीपोलराइजेशन हमेशा एक्शन पोटेंशियल जेनरेट होगा यानी न्यूरल एक्साइटेबिलिटी बढ़ेगी आपके न्यूरॉन एक्साइट होंगे उनमें एक्शन पोटेंशियल जेनरेट होगा। रिमेंबर तो यही बात यहाँ हो रही है एक्साइटेटरी पाथवेज की। एक्साइटेटरी पाथवेज में हमेशा डीपोलराइजेशन होगी और जब भी डीपोलराइजेशन होगी तो वहाँ पर हमेशा एक्शन पोटेंशियल या न्यूरल एक्साइटेबिलिटी या न्यूरल एक्शन पोटेंशियल हमेशा वहाँ पर जेनरेट होगा। अब इनहिबिटरी पाथवेज को देखो इस पिक्चर पर आ जाओ नेक्स्ट पेज पे ये वाली पिक्चर है मेरे पास और यहाँ पर अब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल दिया। कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट सीएनएस में इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर? आई टोल्ड यू दैट इज गाबा। सो लुक हियर दैट रिसेप्टर्स अगेन एम्प्टी। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ पर आप चैनल्स जो हैं कपल्ड वो क्लोराइडाइन चैनल्स हैं। आप देखो यहाँ पर कोई भी एगोनिस नहीं है रिसेप्टर और एम्प्टी सेल मेम्ब्रेन उसी तरह बाहर पॉजिटिवली चार्ज है और इनसाइड ये नेगेटिवली चार्ज है
और इस वक्त ये चैनल्स क्लोज्ड हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी एगोनिस्ट नहीं है, रिसेप्टर एम्प्टी, नो एगोनिस्ट। नाउ द रिसेप्टर बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ही यहाँ पर ये गाबा जो कि एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ये आकर यहाँ बाइंड हुआ, ठीक है, और आपको याद होगा कि हमेशा जो भी एगोनिस्ट होता है वो रिसेप्टर साइट के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये देखो यहाँ पर रिसेप्टर की शेप ऐसी है तो आप देखें कि गाबा की शेप भी उसके कॉम्प्लीमेंट्री है जो उसके अंदर फिट हो जाएगी। इस पिक्चर में देखो एसिटाइल कोलीन के रिसेप्टर ऐसे थे तो एसिटाइल कोलीन भी उस शेप के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है जो उसके अंदर सेटल्ड हो जाएगा, फिट बैठ जाएगा। अब गाबा के रिसेप्टर ऐसे हैं तो खुद गाबा का स्ट्रक्चर ऐसा है। अब जैसे ही गाबा बाइंड हुआ, यहाँ जब गाबा नहीं था चैनल्स क्लोज थी, जैसे ही गाबा बाइंड हुआ क्या होगा, क्लोराइड आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगी, क्या होगा, क्लोराइड की एंट्री होगी। जब नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा तो सेल मेम्ब्रेन आपकी ऑलरेडी अंदर नेगेटिव है, नेगेटिविटी बढ़ेगी, इसका मतलब आपकी सेल मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी हाइपर पोलेराइज्ड। ये देखो हाइपर पोलेराइज्ड, ठीक है, यानी एंट्री ऑफ क्लोराइड हाइपर पोलेराइजेज द सेल या सेल मेम्ब्रेन, जो भी तुम लोग कह लो। इसका मतलब ये हुआ कि अब न्यूरल एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। यस, वेरी गुड, आई एक्सपेक्ट कि तुम लोग यही आंसर दे रहे होगे, ठीक है। तो ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, जिसे हम कहते हैं बेसिकली गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। इसने न्यूरॉन की हाइपर पोलेराइजेशन करवा दी और हाइपर पोलेराइजेशन से क्या हुआ, यस, एक्शन पोटेंशियल ब्लॉक हो गया, यानी न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो रिमेंबर, फीड इन योर माइंड, रिमेंबर ऑलवेज, आई एम एम्फेसाइजिंग अगेन एंड अगेन कि जब भी सोडियम आयन की एंट्री होती है सेल के अंदर या कोई भी पॉजिटिव आयन की का इन्फ्लक्स होगा तो डीपोलराइजेशन, और जब भी डीपोलराइजेशन होगी तो एक्शन पोटेंशियल जेनरेट होगा, न्यूरॉन एक्साइट होंगे, और जब भी कोई नेगेटिव आयन, ये देखो यहाँ, सेल के अंदर आएगा तो हाइपर पोलेराइजेशन होगी, और जब भी हाइपर पोलेराइजेशन होगी तो हमेशा एक्शन पोटेंशियल ब्लॉक हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सीएनएस फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप लोगों ने एक बार अगर अपने माइंड में फीड कर लिए तो आपको सीएनएस फार्माकोलॉजी बहुत इजी लगेगी, ठीक है, आई अश्योर यू। तो आपने आज, मैंने आपको क्या फोकस किया, एक मैंने आपको बेसिक डिफरेंसेस बताए सीएनएस और एएनएस के, और कुछ मेजर कॉन्सेप्ट बताए आपको सीएनएस के हवाले से। इसके अलावा हमने, ये देखो, कैटजंग से साइट्स ऑफ ड्रग एक्शन पढ़ी, न्यूरोट्रांसमिशन के स्टेप्स और ड्रग कहाँ कहाँ एक्ट करती। फिर हमने ये देखा कि साइनेप्टिक पोटेंशियल सीएनएस के अंदर दो तरह के हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। ये एक्साइटेटरी पढ़े हमने, जहाँ डीपोलराइजेशन होती है, हमेशा डीपोलराइजेशन एक्साइटेटरी होगी, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगी, और हमेशा नेगेटिव आयन की जब एंट्री होगी तो हाइपर पोलराइजेशन होगी, यानी हाइपर पोलराइजेशन हमेशा एक्शन पोटेंशियल को ब्लॉक करेगी, रिड्यूस करेगी न्यूरल एक्साइटेबिलिटी को। तो ये दोनों पाथवेज याद रखने हैं तुम लोगों ने, और ये वाले स्टेप्स याद रखने हैं, और कुछ बेसिक डिफरेंसेस आपने जहन में रखने हैं कि यहाँ न्यूरो ट्रांसमीटर ज़्यादा हैं, सर्किट यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी हैं, और यहाँ पर दोनों तरह के फिर पाथवे बन गए, एक्साइटेटरी भी इनहिबिटरी भी। एक्साइटेटरी में क्या होता है, इनहिबिटरी में क्या होता है, आप इन सब को ज़रूर पढ़ें, गो थ्रू करें। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू आर ऑलवेज वेलकम। ओके, टेक केयर, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।